सगळ्यांना जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय, हर हर महादेव। यूजुअली मैं मराठी फिल्म्स मैं मेरे बचपन से मैं 2008 से मैं देख रहा हूँ, मैं मेरे पापा के साथ देख रहा हूँ। मैं एज एम नॉर्थ इंडियन बट मेरा जन्म महाराष्ट्र में, तो मैं एक मराठी मानूसी हूँ। तो सबसे पहले मैं तो आप लास्ट 2022 से मैंने पावन खिंड से मैंने आपकी शुरुआत की थी, फिर धर्मवीर, सरसेनापति अमीरा, अनेक अनेक है, और फाइनली आज एक दिन आया, नाम वो है जिम्मा 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बोलूँ जिम्मा 1, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं 2021 कोविड में मैंने जिम्मा 1 मैंने सच्ची में नहीं देखी, बट उसकी मुझे कहानी वहानी मुझे पता थी, तो सब मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अब मेरा एक्चुअली में जब अनाउंसमेंट हुआ कि जिम्मा 2 आ रही है, तब से मेरा एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया है ना। तो फिल्म की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं वन वर्ड में रिव्यू करूँ, तो ऑल टाइम वुमेन्स ब्लॉकबस्टर ऑफ 2023 आफ्टर बाइपन भारी देवा। सच बोलूँ फिल्म की स्टार्टिंग से लेके एंड तक मुझे बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगा। फिल्म की जो कहानी का हर एक एक पार्ट है, चाहे वो निर्मिति मैम का काम हो, सुहास मैम का काम हो, शिवानी मैम का काम हो, सुचित्रा मैम का काम हो, और भी असायली मैम का काम हो, सिद्धार्थ सर का काम हो, और रिंकू ताई, ताई बोलना चाहूँगा, ताई जैसे हमारे रिंकू ताई, सल्यूट हाँ, खूब स्थान काम के लिए तुम्हें। रिंकू ताई का जो काम है, मैं सच बोलूँ, वो तो एकदम सुशील और शांत, एकदम संस्कारी है ना। और निर्मिति मैम का और रिंकू ताई के साथ जो है, दोनों में अच्छा केमिस्ट्री जम रहा है, सास बहू का। और खासकर बात करें जो सुहास मैम का जो कैरेक्टर है, इंदु मैम का, जो एक बहुत अच्छा इमोशन लेके आता है। और शिवानी मैम की, मैं शिवानी मैम का कैसे बोल सकता हूँ, मैं लिटरली जो उनका जो इमोशन था, लिटरली मैं रोने लग गया। जिस तरह से वो एक दुख दर्द पीड़ा वो शेयर नहीं करे, बट जब शेयर करते हैं ना दुख दर्द पीड़ा, पता होता है औरतों की सच्चाई क्या होती है। औरतें कभी कभी दुख अपने पीड़ा किसी को शेयर नहीं करते, सिर्फ एक औरत से कर सकती है, या तो नहीं भी करती है। जो मुझे इमोशनल लगा फिल्म में, जो है हर एक पार्ट का जो हंसी मजाक इमोशनल इस सब का भंडार इस फिल्म में मिल गया। मैं बताऊँ सच बात, जिस तरह से 50% ऑक्यूपेंसी में ये पार्ट 1 कमाल किए थे, मैं तो कहता हूँ अभी सैटरडे संडे मंडे गुरु नानक जयंती का छुट्टी है, उस दिन पक्का मैं तो कहता हूँ 50-100 करोड़ कमानी चाहिए फिल्म, ऐसी फिल्म लाना चाहिए। और सच बोलूँ ये तो अच्छा है कि इन लोग ने बुकिंग जल्दी स्टार्ट कर दी, क्योंकि पकड़ जल्दी मिलती है ना, आप जानते हैं बाइपन भारी देवा के टाइम पे भी कैसा हुआ था। और सच मैं बोल रहा हूँ, मैं बुरा मत मानिए, बट जो है मैं सच कह रहा हूँ, बॉलीवुड कतई ऐसी फिल्म को प्रेजेंट नहीं कर सकता वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। अभी कुछ दिन पहले थैंक यू हाँ आई थी, हाँ तो ऐसी एक फिल्म आई थी, मैं देखा नहीं, बट क्या है मैं बोलना चाहता हूँ, एडल्ट पब्लिसिटी कर रहे यार। अरे भाई मराठी इंडस्ट्री से तो सीखो तुम लोग, अरे अगर भाई अरेसा है, बाईपन भारी देवा है, जिम्मा 1 है, अभी जिम्मा 2, इनसे सीखो यार, क्या कर रहे हो आप लोग यार बॉलीवुड, शर्म करो थोड़ा भाई। नंगा पुंगा दिखाने से आपकी फिल्म नहीं चलती, मालूम है किस तरह से पिटी। अरे ये ऐसी फिल्में लाओ जिसमें कोई अश्लीलता नहीं, कुछ नहीं, एकदम प्योर फैमिली वाले, जिससे बच्चे तक भी देखने आ सके भाई। अरे बच्चे क्या, सब लोग देखने आ सके भाई, हमारे यूथ जनरेशन वाले। अरे इवन द जेंजी किड्स ऑल्सो नो व्हाट इज़ अ जिम्मा मूवी, जेंजी किड्स वालों से पूछो कि जिम्मा मूवी क्या है ना। ठीक है, माफ़ करना मैं थोड़ा गुस्सा में गया, बट जो है सच है, फिल्म की हर एक पार्ट मेरे को बिल्कुल बोरिंग नहीं लगा। लिटरली मैं तो हंसने लगा, हंसी वाले सीन में इमोशनल में तो रोने लगा, और हर एक एक सीन में मेरे को ताली बजाने का मन किया। और गाने की मैं बात करूँ, सच बोलूँ पवन भाई, अगदी खूब छान। जिम्मा का टाइटल ट्रैक अगेन वाला, फिर मराठी पर अरे वाह क्या, वो पूरा गूज़बम्स लेके आ गया। मेरे साथ जो पीछे औरतें थी, वो तो औरतें जो बैठी थी, वो तो सीटी मार रही थी। सच में यार बॉलीवुड ऐसे फिल्म कभी सॉन्ग्स को प्रेजेंट नहीं करता, बट ये मराठी पोरी सॉन्ग, ये इसका कारण क्या है, मराठी औरतें जो है उनके कल्चर संस्कार को प्रेजेंट किया गया है, उनके ग्लोरीज को प्रेजेंट किया है, जो किया है बॉलीवुड तो कभी प्रेजेंट नहीं कर सकता। माफ़ करना मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ जो है, और मैं लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, हम जो ये रिव्यू करते हम अपना ऑनेस्ट रिव्यू देते, किसी के बहकावे पे नहीं करते। ये कहानी अच्छी है, मैं अभी भी कहता हूँ ऑल टाइम सुपर हिट है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म ऑफ 2023 आफ्टर द बाइपन भारी देवा। और हर एक क्या हेमंत सर को मैं बोलना चाहता हूँ, हेमंत सर थैंक यू, आपने ऐसी फिल्म को लेके आए जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहता हूँ हेमंत सर जिम्मा का पार्ट 3 बनाओ, पार्ट 4 बनाओ, हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने ही आएंगे इसी थिएटर में। और यूजुअली मैं प्लाजा इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि ये मराठी सिनेमा की जान है, शान है, गौरव है, कर्तव्य है हमारा, इसलिए मैं इस फिल्म को यहाँ पर देखने आया हूँ।
रेटिंग पहले बोलना चाहता हूँ, 4 स्टार हर एक एक सॉन्ग वॉन्ग सबको मिला के 4 स्टार। और मैं लोगों को विनती करना चाहता हूँ, ये फिल्म सिर्फ वुमेंस के लिए नहीं, आदमियों के लिए भी फिल्म है। रिक्वेस्ट है कि आपकी जो बहनें हैं, माता है, वाइफ है, नानी है, दादी है या मामी है, उनको ये फिल्म ज़रूर दिखाइए। और मैं तो कहता हूँ अपनी बेटियों को भी ये दिखाइए फिल्म, ताकि औरतों को कैसे सशक्त होना चाहिए। और मराठी इंडस्ट्री ये ऐसी इंडस्ट्री है कि इस तरह से इसको प्रेजेंट करना हमें कर्तव्य है, जो हमें बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ ज़रूर देखिए। और मंडे गुरु पर्व की भी छुट्टी है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप छुट्टी मत मनाओ, मनाइए, बट अगर कोई फिल्म देखना चाहो तो झिम्मा 2 ज़रूर दिखाइए। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आमसे भावासा फिल्मी टाउन यूट्यूब चैनलला। आणि जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय, हर हर महादेव। थँक्यू।